Yo guys, it's your boy ZK Khan. Welcome back to again another new video guys. So guys, आज का स्पेशल व्लॉग मैं लेकर आया हूँ हमारे करोटले की पब्लिक के वास्ते खासकर. तो हमारे करोटले में ये स्पेशल फिश स्पा आया है, माली फिश स्पा के नाम से. यहाँ पर करोटले में टीचर्स क्लब रोड पे है. तो इसकी स्पेशलिटी ये है कि जो पैरों में क्रैक्स आते और पैर फूटते वगैरह रहता ना, उससे ये फिश क्या करती है, आपको बिफोर एंड आफ्टर मैं आपको डिस्प्ले पे पिक डाल दूँ, आप देख लो. तो जब क्रैक्स आते वगैरह आते ना, उसको फिक्स क्या करती वो. तो गाइज, हील क्रैक्स भी इससे क्लियर होते और नेचुरल फिजियोथेरेपी है ये. तो इसको ये स्पेशली, तो गाइज ये फिश जो है तो स्पेशली टर्की कंट्री से मंगाए गए हैं. तो इसको डॉक्टर फिश भी कहते हैं और आपको नेचुरल बेनिफिट्स बहुत देते. तो मैं आपको पूरा इसका क्या बोलते हैं ना, लोकेशन और ये कहाँ पर है शॉप, इसका एड्रेस वो सब आपको डिस्प्ले स्क्रीन पे डाल दूँ, आप देखो. और इसके प्रॉपर है हमारे शफी भाई, देखते मगर आप देख ले. तो गाइज आप देखते मगर हमारे शफी भाई भी एक्सप्लेन देते इसके बारे में पूरा. कई बोल मैं इसमें अभी तो एक्टिव नहीं हूँ यूट्यूब पर. तो गाइज वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए. तो और इसका क्या डिटेल्स है पूरा हमारे शेफ भाई देते हैं, आप टेंशन ना लो, आप सुने ना. ओके शेफी भाई, इसके मेंटेनेंस क्या है, पब्लिक को थोड़ा बता दो. देखो जाकी भाई, इसके मेंटेनेंस आके देखो, ये टर्की कंट्री की फिश है ना जी. तो इसके लिए है ना, ये पानी भी डेली चेंज करते हैं हम लोग. अच्छा. फिर पानी चेंज करने के बाद क्या बोलते हैं, पानी ज़्यादा ठंडा भी नहीं रहना, ज़्यादा गर्म भी रहना. अच्छा. इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक हीटर का इंतजाम करें. ये है ना, ये वाला ये हीटर है जी. ये हीटर क्या है बोल तो, हीटर 5 मिनट चालू होता, ऑटोमेटिक 5 मिनट के बाद बंद हो जाता. वो क्या करता, पानी को गर्म ठंडा नहीं रख करके नॉर्मली रखता, मतलब के कुनकुना रखता पानी को. अच्छा, पानी को नॉर्मल रखता, नॉर्मल रखता. ये हाँ, ये हीटर का काम है वो है. फिर इसके बाद है ना, इसके इंटरनल फिल्टर बोलते हैं इसको. अच्छा. एक एक्वेरियम में 2 इंटरनल फिल्टर रहते हैं. हाँ. इसका काम क्या है बोल तो, इसमें पानी में कुछ भी हवा ये वो है तो बाहर फेंक के. हाँ. ये पाइप के जरिए से बाहर फेंकता हवा और मच्छियों को ऑक्सीजन देता. ओके, ऑक्सीजन भी देता है. और आगे अब एक आदमी बैठा, फिर एक आदमी बैठने के बाद फिर 5 मिनट तक दूसरे आदमी को नहीं बिठाना. फिर उसके बाद कई को नहीं बिठाना बोलते, 5 मिनट का काम क्या करता बोलते, कंज्यूमर फिल्टर बोल के रहता, ये अंदर फिट रहता. ये कंज्यूमर फिल्टर क्या करता बोलते, यहाँ से है ना पानी अंदर लेके जो भी आदमी बैठा उसका डस्ट हो या कुछ भी रहा अंदर खींच लेके डस्ट हो, पानी को फिल्टर करके बाहर है ना, इससे इसके दौरान से बाहर फेंकता. फिर है ना आखिर में फेंकता पानी. अच्छा. ओके ना. तो फिर आगे है ना, यहाँ पे बॉल दिख रहे, देखो ये एक बॉल वो एक बॉल, ये है ना ऑक्सीजन है. अच्छा. तो इसको ये टर्की कंट्री के फिशेज है ना, तो इसको मेंटेन ऐसा करना पड़ता. अच्छा. इसका मेंटेनेंस ये है डेली का. डेली एक तो वाटर चेंज करना पड़ता, हीटर रखना पड़ता, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना पड़ता जी. और है ना ये कंज्यूमर फिल्टर है ना, जो आदमी एक पर्सन बैठा फिर वो पर्सन का कुछ भी डस्ट हुई है अंदर ले लेके आउट. हाँ. फिर इन क्या करता, फ्रेश करके वाटर फिर बाहर फेंकता आखिर हमें. अच्छा, डेली रिफ्रेश होते रहता है. डेली रिफ्रेश कंटिन्यू 24 आवर्स. और एक पर्सन बदलने के बाद रिफ्रेश होता, एक पर्सन बैठ के उठने के बाद फिर एक पर्सन को 5 मिनट गैप देके फिर बिठाने का, कंटिन्यू नहीं बिठाने का. तो इसका एक्वेरियम मेंटेनेंस हम ऐसा करते हैं. तो शफी भाई, मैं क्या बोल रहा था बोले तो, पब्लिक के वास्ते एक बार मैं ट्राई करता हूँ बोल के देख रहा था, क्या बोलते हैं. ZK भाई, आपके खिदमत के लिए हम लोग तेलंगाना में पहली बार करुल्ला शहर में लाए गए हैं. तो आपके आप ट्राई करते बोल के पूछने का ना, जाके बैठ जाना चाहिए. तो गाइस आप लोग देख सकते हैं अपने तेलंगाना स्टेट में डायरेक्ट उन्होंने करोटले में ले गए. तो मैं तकरीबन लोग पूछे, मैं खाली एक छोटा व्हाट्सअप स्टेटस रखा था तो तकरीबन 300 से 400 लोग पूछे मेरे को ये कहाँ पर है क्या है बोल के. तो गाइस ये टीचर्स क्लब रोड पे है हमारे. तो भाई का पूरा मैं आपको उसका डिटेल्स हुए डाल देता हूँ डिस्प्ले पे, रन होते रहता आप देख सकते. और हमारे दो भाइयों के नंबर भी डाल देता हूँ इसके अंदर, कॉन्टैक्ट करके आप अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं इसके अंदर. तो गाइज एक्वेरियम में जाने से पहले हम लोगों को हमारे पैर को धोना पड़ता. कई को बोले तो हम लोग आवारा फिरते बस स्टैंडों पर, वहाँ यहाँ डेरा जाके उसमें बैठ गए थे हम, जो मछलियों को खतरा रहता, उनकी जान को खतरा रहता. तो पहले हम पैर वॉश कर लेंगे उसके बाद उसके अंदर डालेंगे, सुने ना. तो ये पैरों को हाथों को भी कर सकते हैं, पहले पैर कर लेंगे उसके बाद नेक्स्ट ऊपर आके हाथों को करके बताता हूँ. ओके ना. तो गाइज पैर डाल रहा हूँ मैं, देखेंगे एक्सपीरियंस कैसा रहता. डॉक्टर फिश, टर्की के स्पेशल फिश है ये. तो बिस्मिल्लाह. अरे बाप रे, डालते जाके लपट लिए लोग.
ये कपिल शर्मा जो कॉमेडी शो आता नहीं वो मछली आए पूरे कपिल शो कपिल शर्मा के कहीं के बोले तो आगे ना मजाक कर रहे पैरों के साथ लपट लिए गुदगुदी कर रहे हैं लोग बहुत आखिरी दिख रहा आप लोग अभी आगे ट्राई करके देखो बहुत मजा आ रहा डॉक्टर फिशेस मसाज कर रहे हैं लोग इनके पास मतलब अंदर जो मसाज ऑयल रहता वो भी रखते हैं मछलियाँ हैं अंदर साथ में कहीं के बोले तो पैरों को जो रिपेयर्स रहते जो प्रॉब्लम्स रहते जो क्रैक्स रहते हील्स के सब दूर करते कहते मछलियाँ हैं तो गाइस इसमें बैठने के बाद जो मज़ा आ रहा ना मैं उसको जाहिर भी नहीं कर सकता हूँ कहीं को बोले तो मछलियाँ को बदनाम नहीं करना चाह रहा हूँ मैं टर्की के बहुत स्पेशल लेना है Denied. तो ऐसा आ रहे अटैक कर रहे ना शार्क जो रहते देखो जो शार्क जो फिशेस रहते ना वैसा भैया वाकई में हिला दे रहे लोग अंदर अरे वाह ऐसा है मसला दो दिन फिराना फिश ला के डालना इसके अंदर उल्ला के ब्रदर्स क्या भैया ये मतलब फ्रैन आ रहे थे देखो फिराना बोल के वही जात के मतलब थोड़े छोटे हैं मतलब पूरे पैर को है ना ऐसा चारों तरफ से घेर लिए लोग अच्छा खाली पैर को करने से बॉडी में पूरा सुकून महसूस होता हाँ एकदम रगों में हाँ तो गाइस भाई क्या बोल रहे बोले तो जो अपन मतलब जो तलवा जो बोलते ना जो पैर के नीचे का हिस्सा वो बहुत सेंसिटिव एरिया रहता उसके जरिए जो फिशेस जो मसाज कर रहे हैं अंदर नीचे तो उसको पूरे बॉडी को रिलैक्स फील हो रहा अब मैं कितना भी बोल लिया कितना भी पुकार लिया ना आप लोगों को फ़र्क नहीं गिरता मेरे को मालूम आप लोगों का पहले टीचर्स क्लब रोड पे मतलब तो गाइस बस स्टैंड आउटगेट के सीधी गली में आप लोग आने के बाद यहाँ पर स्माइली फिश स्पा बोल के बोर्ड दिखता और हमारे शेफी भाई को आप कॉन्टैक्ट कर सकते डिस्प्ले पे देखो नंबर रन हो रहा अभी भी तो और डिस्क्रिप्शन में भी इनका नंबर डाल दूँ तो गाइस वीडियो पसंद आया तो थोड़ा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करो प्लीज़ बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को आप लोगों के खातिर मैं फ़ोन को भी डुबाया एक्वेरियम में मालूम मेरे फ़ोन को डुबाया वो वीडियो भी है डाल दूँ आप देखते मगर आप लोग बहुत ग्राहक दिख रहा बोले तो एकदम शकला का बूम बूम मतलब एकदम मैजिक कुछ मैजिक्स हो रहा अंदर बॉडी में से बोल के दिख रहा मेरे को बहुत मसाज मतलब मेरे को बहुत दिनों मैं जिम कर रहा हूँ भैया तो मैं सोच रहा कहीं मसाज कराएंगे बोल के मतलब सबसे बड़ा मसाज तो ये है कहीं बोले नेचुरल है मतलब फिशेस से सब इंसानों से लेडीज से गोवा गए तो वहाँ गए तो लेडीज से मेन से इंसान से कराते ऑयल से तो ये एकदम डिफरेंट है एकदम डिफरेंट मतलब फिशेस में मसाज करना क्या है भैया ए भाई मजाक भरा है भाई एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया जज्बात बदल दिए लोग बदल दिए ज़िंदगी बदल दी ओ मारो 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 तो गाइज बहुत दिनों से यूट्यूब पे एक्टिव नहीं हूँ तो हमारे शेफी भाई मेरे को कॉल करे मेरे भैया के फ्रेंड है तो कॉल करके बोले आ जाओ आपको कंटेंट भी मिलता है यूट्यूब के वास्ते बोल के तो कंटेंट नहीं बहुत बड़ा कंटेंट मिल गया मेरे को मतलब तो देखो आप लोग देख सकते और मेरा फ़ायदा भी कर रहे हो लोग तो आप लोग भी आओ थोड़ा देखो एक बार अरे हम मेन पॉइंट बोलना भूल गया आप लोग ये 100-200 हज़ार लगाने की जरूरत ही नहीं आप लोग 50 रुपये को 15 मिनट आप लोग सुकून से कर सकते हैं और ज़्यादा करना है तो उसका मतलब आपको ज़्यादा अमाउंट कुछ भी नहीं है भाई ये तो सब रखना करना देख सकते हैं आप इसको मशीनरीज क्या लग रही है इसको दिन रात करंट इसको मतलब करंट मतलब जो मोटर से हेवी मोटर से पूरे अरे फिशेस को ना देखभाल करना पड़ता और अब मैं बैठने के बाद 5-10 मिनट तक कोई कस्टमर को नहीं इसमें नहीं बिठाते उन्होंने कहीं को बोले तो पूरा पानी रिकवर होना पूरा नीटनेस होने के बाद ही दूसरे को बिठाते और डेली वाटर चेंज करते अरे टर्की फिश है ना ये अब इन लोगों को हमारी जैसी उर्दू हैदराबादी तेलुगु लैंग्वेज नहीं आती इसलिए उन लोग अब हमारे शफी भाई क्या करते डेली का डेली उन लोगों को मतलब समझ जाते साफ नीट करते रहते बड़े बड़े मशीन आए और मैं नीचे से बैठ रहा ना यहाँ भी डर बोल के वाइब्रेट हो रहा एकदम सुकून दिख रहा भैया बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच तो भैया बोल रहे मेरे वास्ते लेके आए बोल के मैं बोल रहा हूँ आप सबके वास्ते लेके आए कहीं को बोलना अपने जगत्याल डिस्ट्रिक्ट में कहाँ भी नहीं देखा तेलंगाना में कहाँ भी नहीं देखा हैदराबाद में है और उसके बाद हमारे कुरुटले में है ओके ना तो आप लोगों के वास्ते खास कर लेके आए हमारे भैया बहुत बड़ा प्लान डाले
नहीं बोले तो भी बहुत। कोरोटले से अपना करीमनगर 75 और यहाँ से निज़ामाबाद 75 किलोमीटर, इसके बीच में दौरान कुछ भी नहीं मिलता आप लोगों को, इसलिए यहाँ पर खासकर दाल है तो आप लोगों की कमी बहुत कमी महसूस हो रही मेरे को मालूम। डेली लोग आ रहे मसाज करा रहे जा रहे, आप लोग क्या कर रहे हाल हमारा फिर रहे बस स्टाना में वहाँ आके देखो चौरास्तम नको बैठो यहाँ आके बैठो रातों में। अब ज़्यादा नहीं 85 रुपये बोल रहे भैया हमारे हंसते आप लोगों के वास्ते रखे कहते हो, हमारे लोग खाली सुकून में रहना बेनिफिट्स लेना इसके बहुत फायदे लेना बोलिए क्या बोलते भैया। हाँ ये बात पॉइंट की बोले, लोग दूर दूर जाके मसाज ले रहे गोवा जाके, मैं भी दीवाना गोवा जाके मसाज लिया और भैया यहाँ लेके आए मेरे को क्या मालूम है। अगर अगर कोई ब्रेकअप हो गया सैड है, कोई रो रहे घर में मम्मी पापा मारे, या ब्रेकअप हो गया गर्लफ्रेंड छोड़ दी गाली दी, तो 5 मिनट के वास्ते 15 मिनट के वास्ते 50 रुपये लगाना इधर आके सुकून से रिलैक्स करके जाना, वो सुकून दिख रहा मेरा तो ब्रेकअप नहीं हुआ। आप लोग आओगे तो आ जाओ। देखो मछलियाँ चारों तरफ से घेरे हुए हैं और इनको मतलब कैसा सुकून मिल रहा है आप लोगों को बोला, फ़ोन डुबा दूँ था मैं पानी में मगर ऑलरेडी एक वीडियो है मैं उसको एडिट करके आप लोगों को डाल दूँ। देखो चारों तरफ से घेर ली पब्लिक, बचना मुश्किल है पैरों को। ZK आर्मी क्या बोलते, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब होना और वीडियो को शेयर करना। अरे रे 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 पैर काले जाके गोरे हो गए मेरे, गोरे कर दिए पैर। अरे गर्ल्स के वास्ते बहुत अच्छी चीज़ है ये। अरे रे 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 आजा आजा गोरे कर लेके जाओ पाँव, चिकने चिकने पाँव कर लेके जाओ। तो यो गाइस, तो 15 से 20 मिनट हो गया हमारे भैया से मजाका मंताखा मारते हुए मैं ही बैठा था इसमें, तो अब पैर निकाल दो इसके रिजल्ट बता दूँ आप लोगों को। अरे वाह 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 शुक्रिया मछलियाँ, अरे क्या सुकून दे रहे तुम। अरे 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 पैर पूरे वाइट हो गए एकदम, अब वाह बच्चियाँ के वास्ते बहुत अच्छा है। कहीं बोले तो आप लोग पैर फुड़ियाते हुए बोल के मतलब डरते रहते ना, क्रीम्स वगैरह लगाते रहते ना, तो 1 से 3-4 बार कराए तो बसे नहीं भैया। हाँ 1 से 3-4 बार कराया तो देखो पैर एकदम नीट हो जाते, मैं भी 2-3 बार कराया। देखो खाली शकल का बूम बूम, अरे वाह 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 माउथ दिख रहे ना एकदम स्मूथ हो गया। देखो एरिया बहुत स्मूथ, सही बोल रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा दिख रहा। तो हो गया मैं क्या बोला आप लोगों को, जिसका ब्रेकअप हुआ उन सैड है तो बेफिक्र आ जाओ यहाँ पर, सुने ना मस्त टाइम पास होता, बहुत खुशी होती तुम लोगों को। इतना पूरे नर्वसनेस जितनी थी सुबह से मैं डल था, कई को बोले तो मेरे दोस्त ना मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे बोल के। तो ये जो टर्की के मछलियाँ हैं इनकी लैंग्वेज क्या है कि मैं बात करने नहीं आ रहा हूँ, तो बहुत इतनी खुशी थी इन लोगों का, मज़ा आ गया भाई एकदम। हवा बाबा बस शक लगा बूम बूम, क्या बोलती ZK आर्मी, डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू बी नोटिफाइड माई न्यू पोस्ट। ओके अल्लाह हाफिज़।